हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी, वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। तो हम बात करेंगे सिंटेक्स इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। आप सबको पता है शेयर में सस्पेंड है ये शेयर NSE BSE दोनों से। 21 मार्च के बाद से इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई है और CIRP फाइल हो रखी है NCLT अहमदाबाद ब्रांच में। इनका कोर्ट केस चल रहा है इंसॉल्वेंसी को लेकर। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आज है 7th of December, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। आज इनकी कोर्ट की हियरिंग है। आज कोर्ट की हियरिंग हो जाएगी और उसका क्या आउटकम निकल के आएगा उसी का वेट रहेगा आज हम सबको। तो अभी तक कोई भी न्यू ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। ऑब्वियसली अभी तो फ्रेंड मीटिंग आफ्टरनून में होगी, हो सकता है लेट इवनिंग तक इनका आउटकम निकल के आए कि क्या आता है। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है इनकी बैक टू बैक डेट्स ही मिल रही हैं हमें अभी तक कोर्ट हियरिंग में कि क्या होगा रेजोल्यूशन प्लान को। अप्रूवल मिल जाएगा NCLT का तो फ्रेंड ये कंपनी आपको पता है रिलायंस की हो जाएगी, मुकेश अंबानी जी की हो जाएगी और वो इसको मर्ज कर लेंगे जो उनके पास दूसरी कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की। तो अब हमें वेट है कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा है 468 करोड़ रुपीज़, उसका कुछ होता है या नहीं होता, रीलिस्टिंग की न्यूज़ आएगी या कंप्लीट डीलिस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बस बेल बटन प्रेस कर देना, जैसे ही अपडेट आ जाएगा कि कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू ज़रूर बता दूंगी। सो आपको अभी तक आप देख लीजिए कोई अपडेट नहीं है 30th November के बाद से, बट हाँ अपडेट जैसे ही आ जाएगा मैं आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच।